लास्ट क्लास में क्या किया था हमने, कौन सा टॉपिक कर रहे थे? मेरे ख्याल में वैल्यू एडेड मेथड स्टार्ट किया था और एक दो क्वेश्चन करवाए थे आप लोगों को मैंने। आज का एजेंडा बेसिकली ये है कि हम वैल्यू एडेड मेथड पे ही कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए कुछ और सवाल करेंगे, और उसके बाद एक नया टॉपिक डिस्कस करना है। अगर वक्त बचता है हमारे पास तो हम वो टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में डाउट आ रहा है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 का पहले डाउट क्लियर करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे, कुछ और क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में इसमें आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालना है, GVAMP, और आपको इनकम जनरेटेड, डेप्रिसिएशन, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज गिवन है। मैंने आपको बताया कि इनकम जनरेटेड का मतलब होता है NDPFC। तो किसी क्वेश्चन में अगर इनकम जनरेटेड लिखा है, इसका मतलब आपको NDPFC या तो कैलकुलेट करना है या गिवन है, डिपेंडिंग ऑन किस तरह का क्वेश्चन है। जैसे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन 20 में इनकम जनरेटेड आपको गिवन है 2200। वैल्यू एडेड में मैंने आपको बताया था कि वैल्यू एडेड बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एक फर्म ने देश के ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज में कितना कंट्रीब्यूट किया है। अगर हम देश में जितनी फर्म्स हैं उन सबके कंट्रीब्यूशन को ऐड कर दें, सारे फर्म्स ने जितना भी कंट्रीब्यूट किया, मतलब सारे फर्म्स का अगर हम वैल्यू एडेड कंसिडर करें, तो सारे फर्म्स का वैल्यू एडेड कहलाता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, GVA। वैल्यू एडेड बाई ऑल दी फर्म्स इज कॉल्ड GVA, और GVAMP मतलब वैल्यू एडेड बाय ऑल दी फर्म्स ऑफ एन इकोनॉमी इज कॉल्ड ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस। देश में जितनी फर्म्स हैं वो सारी फर्म्स मिलकर जितना भी कंट्रीब्यूट करती हैं देश के प्रोडक्शन में, उसको हम वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस या ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस कहते हैं। अब ये याद रखने वाली बात है इसमें कि ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस जो है वो इक्वल होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस के। याद रखेंगे आप, GVAMP इज ऑलवेज इक्वल्स टू GDPMP। ठीक उसी तरीके से NVAFC NDPFC के बराबर हो जाएगा। जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ GVAMP GDPMP के बराबर होता है, उसी लॉजिक के हिसाब से GVAFC NDPFC के इक्वल होता है। अब देखो, इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, आपको इनकम जनरेटेड गिवन है, और ये भी लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर इनकम जनरेटेड है तो इनकम जनरेटेड का मतलब होता है NDPFC। और क्या बताया मैंने, NDPFC किसके बराबर होता है, NVFC के, अभी ऊपर बताया मैंने। तो अगर इस क्वेश्चन में आपको इनकम जनरेटेड दे रखा है 2200, इसका मतलब हो गया कि आपको इसमें NDPFC दे रखा है 2200, या ये कह लो कि NVAFC की वैल्यू आपको दे रखी है 2200, एक ही बात है। समझ आ रही है बात, NVAFC की वैल्यू 2200 है। अब देखो, अब अगर आपको NVAFC गिवन है, आपको क्या निकालना है, GVAMP, तो बाकी फॉर्मूला क्रिएट करना तो आता ही होगा ना भाई आपको, कि अगर आपको GVAMP निकालना है, आपको NVAFC दे रखा है, तो आप क्या करोगे, इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दो और इसमें NIT ऐड कर दो, ये हो गया GVAMP का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यूज पुट करें, आंसर आ जाएगा 2340। प्रैक्टिस के लिए एक दो सवाल और करवा रहा हूँ मैं, तीनों क्वेश्चन करना है हमें ये प्रैक्टिस के लिए, 23, 24 और 25। क्वेश्चन 23 से स्टार्ट कर रहे हैं। सॉल्यूशन टू 23, देखिए इसमें आपको GVAFC निकालना है, ग्रॉस वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट। फॉर्मूला हो जाएगा हमारा सर, आउटपुट प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन और माइनस NIT। अब आउटपुट में आप क्या लेंगे, आउटपुट में हमें चाहिए होगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, उसमें से IC माइनस करेंगे और NIT माइनस करेंगे। फॉर्मूला लिख दिया मैंने, आप सॉल्व करके दिखाइए ज़रा। सॉल्यूशन टू 24 में क्या करना है, 24 में आपको GVAMP और NVAFC निकालना है। GVAMP और NVAFC, लेकिन इसमें ना डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग सकता है, क्योंकि GVAMP निकालने के लिए 24 में GVAMP निकालने के लिए आपको आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करना पड़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपको ना तो आउटपुट की वैल्यू गिवन है ना इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू गिवन है, तो ये क्वेश्चन जब आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे तो डायरेक्टली नहीं आएगा। NVFC के लिए भी आपको आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस डेप्रिसिएशन और माइनस NIT करना पड़ेगा, तो आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन की जरूरत यहाँ पे भी पड़ेगी। तो आप एक चीज़ देख लें, इस क्वेश्चन में भी आपको इनकम जनरेटेड दे रखा है, वर्किंग नोट बनाएंगे। मैंने अभी ऊपर आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 20 के लिए कि इनकम जनरेटेड जो है, इनकम जनरेटेड का क्या मतलब बताया, इनकम जनरेटेड इक्वल होता है
किसके, NDPFC के, और NDPFC इक्वल होता है किसके, NVAFC के। कहने का मतलब यह है कि इस सवाल में आपको NVAFC की वैल्यू गिवन है, NVAFC की वैल्यू गिवन है, क्योंकि NDPFC दे रखा है, इसका मतलब NVAFC दे रखा है। कितना दे रखा है, 22,000 NVAFC की वैल्यू गिवन है। तो अब आप क्या करेंगे, GVAMP का फॉर्मूला NVAFC से बना लेंगे। क्या करना पड़ेगा सर, आप लिखो यहाँ पे GVAMP इक्वल्स टू NVAFC प्लस डेप्रीसिएशन प्लस NIT। ये फॉर्मूला बन गया आपका GVAMP का। और ऐसे ही NVAFC निकालने की आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि हमने ऊपर देखा NVAFC NDPFC दोनों बराबर होता है, और NDPFC की वैल्यू 22,000 गिवन है, तो आप सीधा सीधा 22,000 लिख देंगे यहाँ पे। लेकिन आपको GVAMP कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, फॉर्मूले में गलती है, हमें NIT एक्चुअली प्लस करना है, मैंने गलती से माइनस कर रखा है उसको। GVAMP का जो फॉर्मूला बनाएंगे तो आप NVAFC में डेप्रिसिएशन भी ऐड करोगे, NIT भी ऐड करोगे, तो ऐड करेंगे ये हो जाएगा 23,400 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एकदम सिंपल है। इसमें NVAFC निकालना है आपको, NVAFC निकालना है, और सॉरी NVAMP निकालना है, सॉरी 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 NVAMP इक्वल्स टू क्या होगा सर, NVAMP का फॉर्मूला होता है आउटपुट माइनस IC यानी कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस डेप्रिसिएशन। NIT माइनस नहीं करेंगे सर, बिल्कुल नहीं करेंगे NIT माइनस। अब लिखेंगे आउटपुट की जगह पे आप सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब सेल्स की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, सेल्स की वैल्यू है 600 प्लस चेंज इन स्टॉक की वैल्यू गिवन है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 50, और ओपनिंग है 100, तो माइनस होगा 50। इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 200, और डेप्रिसिएशन भी गिवन है 60। इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाना चाहिए 290। ये क्वेश्चंस आपको करना है, क्वेश्चन 141, 142 और 143। स्क्रीनशॉट लो, अभी नहीं करना, ये आप होमवर्क में कर लीजिएगा, क्योंकि अभी क्वेश्चन इजी है, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, आप लोग इसको कर सकते हो होमवर्क में भी। लास्ट क्लास में जो होमवर्क दिया था वो करा था ना सबने, ये क्वेश्चंस भी कर लीजिएगा। और क्वेश्चन दे देता हूँ मैं आपको इनके अलावा, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए इधर, ये भी होमवर्क में ले लो, 144, 145, 146, 147। क्वेश्चन 145 जो है ये मत कीजिएगा, 144, 146 कर लेना, इसके बाद आप करिए 147। इस पेज पे आ जाओ, ये भी होमवर्क 149, 150 और 151, क्योंकि अभी अगली क्लास हमारी ट्यूसडे है, सैटरडे के बाद, तो आपके पास संडे भी है, मंडे भी होमवर्क करने के लिए, आप आराम से करिए। और ये सारे क्वेश्चंस इजी हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख के आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी है कि इतने सारे क्वेश्चंस आज होमवर्क में मिल रहे हैं। क्वेश्चंस इजी हैं, आराम से हो जाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। सर और किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, एक आता है इसमें इस तरह का सवाल, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें लिखा है आपको कैलकुलेट दी वैल्यू एडेड बाई फॉर्म एंड फॉर्म ए एंड फॉर्म बी फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा। ये इन्फॉर्मेशन गिवन है दो फॉर्म्स के रिगार्डिंग, और उन दोनों फॉर्म्स का ना आपको वैल्यू एडेड निकालना है। अब इसमें अगर आप देख पा रहे हैं, इसमें इसमें जो इन्फॉर्मेशन है ना एकदम अलग तरह की है। इसमें इन्फॉर्मेशन आपको वैसे नहीं दे रखी है कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, फिर सब्सिडीज़ हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, वो सब इन्फॉर्मेशन नहीं है इसमें। आप अगर नज़र दौड़ाएंगे तो आपको पता लग रहा होगा कि इसमें सेल्स और परचेज के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दे रखी है सिर्फ, ठीक है। तो इसमें फॉर्म ए और फॉर्म बी का वैल्यू एडेड निकालना है आपको। होता बहुत सिंपल है, फॉर्म ए का वैल्यू एडेड निकालेंगे पहले, फिर फॉर्म बी का वैल्यू एडेड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, करना यह है कि हम सेल्स की वैल्यू सबकी, मतलब फॉर्म ए के बारे में अगर मैं बात करूँ सबसे पहले, तो फॉर्म ए की टोटल सेल्स निकालेंगे आप, उसमें से उसके टोटल परचेजेस को माइनस कर देंगे, तो ये वैल्यू एडेड हो जाएगा, समझे। इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक सेल्स निकालना होता है, मतलब आउटपुट निकालना होता है, और परचेजेस की वैल्यू निकालनी होती है। सेल्स में से परचेजेस माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है उसी को हम वैल्यू एडेड या ग्रॉस वैल्यू एडेड कहते हैं,
तो इस क्वेश्चन में दोनों फॉर्म का वैल्यू एरर कैलकुलेट करना है आपको। अब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको समझना है, अगला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा करने के लिए, वो आप करेंगे ठीक है। तो इसे आप गौर से देखें, सिर्फ स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू एडेड फॉर्म ए, इसी को नीचे सॉल्व कर लूँगा फॉर्म बी के लिए भी। फॉर्म ए का वैल्यू एडेड कैसे निकलेगा, हमें सर इसके अंदर आउटपुट लेना है दोनों फॉर्म्स का, और उसमें से हम लेस करेंगे परचेजेस, परचेजेस को ही इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहते हैं, तो ये माइनस करेंगे। बी के केस में भी अच्छा, ये ऐसा करने से क्या हो जाएगा, आउटपुट में से मैं परचेजेस माइनस कर दूंगा फॉर्म ए के, तो मुझे वैल्यू एडेड मिल जाएगा फॉर्म ए का ठीक है। ऐसे ही फॉर्म बी के केस में आउटपुट की वैल्यू आप लेंगे और उसमें से हम लेस करेंगे परचेजेस की वैल्यू, और यहाँ भी इसका वैल्यू एडेड आ जाएगा। चलें तो एक एक करके सारे पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले गिवन है परचेजेस बाय फॉर्म ए फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, परचेजेस बाय फॉर्म ए फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या है कि ए की परचेजेज हैं ये। आपको सिर्फ ये देखना होता है, आपको ना सिर्फ सेल्स और परचेज से मतलब है, और चीज़ें नहीं देखनी है। सिर्फ आपको जो जो हमारे रिलेवेंट फॉर्म है, हमारे लिए रिलेवेंट फॉर्म है फॉर्म ए और फॉर्म बी, तो फॉर्म ए और बी के रिगार्डिंग आपको सिर्फ ये देखना है कि फॉर्म ए ने बेचा कितना और फॉर्म ए ने खरीदा कितना। इन दोनों चीज़ों को बस कंसिडर करके हम वैल्यू एरर निकालने की कोशिश करते हैं। फॉर्म ए का देखो पॉइंट नंबर वन में लिखा है परचेज बाई फॉर्म ए फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 300, मतलब ए ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से खरीदा। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है इंडिया के बाहर से खरीदा, इम्पोर्ट करवाया बेसिकली, कितने का 300 का। तो मैं क्या करूँगा, इसको फॉर्म ए की परचेजेस में जाके हम इस वैल्यू को लिख देंगे यहाँ 300, फॉर्म ए की परचेजेस में 300 ठीक है। आगे चलते हैं, फिर लिखा है सेल्स बाय फॉर्म बी, सेल्स बाय फॉर्म बी है 900, सेल्स बाय फॉर्म बी इज 900। क्या करें सर इसका, आपको क्या करना है फॉर्म बी के सेल्स में जाना है। सर सेल्स कहाँ होता है, सेल्स होता है आउटपुट के अंदर, तो फॉर्म बी के आउटपुट में जाके आपको लिख देना है, कितना लिखना है 900, सेल्स बाय फॉर्म बी 900। अब याद रखें आउटपुट में सिर्फ सेल्स नहीं होता, चेंज इन स्टॉक वगैरह भी होता है, तो फॉर्म बी का जब चेंज इन स्टॉक दिया होगा तो हम यहाँ पे सेल्स के साथ वो भी लिख के टोटल आउटपुट की वैल्यू निकालेंगे, अभी नहीं आया है वो। अच्छा एक और बात समझें, पॉइंट नंबर टू में सेल्स बाय फॉर्म बी जो दे रखा है ना, अभी याद रखेंगे कि ये फॉर्म बी की टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स। अगर वो क्वेश्चन में इस तरीके से देते हैं इन्फॉर्मेशन कि डोमेस्टिक सेल्स है 500, फिर हमने एक्सपोर्ट किया 200, फिर हमने फॉर्म ए को बेचा 300, इस तरीके से अगर ब्रेक करके देते तो हम एक एक करके सबको ऐड करके टोटल सेल्स निकालते हैं। लेकिन याद रखें अगर क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली गिवन है, आपको सिर्फ एक वैल्यू दी है और इस तरीके से दिया है सेल्स बाय फॉर्म बी, तो इस सेल्स को आप टोटल सेल्स मानेंगे। हम ये नहीं मानेंगे कि ये टोटल सेल्स का एक हिस्सा होगा। अगर सेल्स बाय फॉर्म बी लिखा है इसका मतलब ये फॉर्म बी की टोटल सेल्स है, तो फॉर्म बी की टोटल सेल्स हो गई 900, इसके अंदर लिख दिया हमने। अच्छा आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट पे परचेजेस बाय फॉर्म ए फ्रॉम फॉर्म बी। अब ध्यान से देखो, ए ने बी से खरीदा, थर्ड पॉइंट में लिखा है परचेजेस बाय फॉर्म ए फ्रॉम फॉर्म बी, ए ने बी से खरीदा, तो मेरे को बताओगे ए के लिए क्या हो गया, वो सर ए के लिए परचेज है, और बी के लिए क्या है, बी के लिए सेल्स है। तो सर इस आइटम को किस तरीके से ट्रीट करना है, हमें क्या करना पड़ेगा, ए की परचेजेस में भी लिखना पड़ेगा, बी की सेल्स में भी लिखना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, बी की सेल्स में क्यों लिखेंगे, बी की टोटल सेल तो ऑलरेडी दे रखी थी 900, वो तो ऑलरेडी रिकॉर्ड करी जा चुकी है, तो अभी जो 500 है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ए की परचेज में जाएगा, बी के सेल्स में लिखने की इसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बी का टोटल सेल्स ऊपर 900 गिवन था और वो ऑलरेडी हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो आप इसको फॉर्म ए के परचेजेस में जाके 500 यहाँ पे लिखेंगे। फॉर्म बी में भी लिखा जाता, लेकिन फॉर्म बी की टोटल सेल्स क्योंकि पहले से गिवन है तो मुझे वहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ आइटम पे आ जाते हैं, फोर्थ है सेल्स बाय फॉर्म ए। अच्छा फॉर्म ए की भी सेल्स दे दी आपको। अब देखो फोर्थ आइटम में, फोर्थ पॉइंट पर सेल्स बाय फॉर्म ए गिवन है, और फिफ्थ पॉइंट पे आपको एक्सपोर्ट बाय फॉर्म ए गिवन है, एक्सपोर्ट बाय फॉर्म ए। तो एक्सपोर्ट क्या होता है सर, एक्सपोर्ट इज अ काइंड ऑफ सेल्स,
एक्सपोर्ट भी तो एक तरह की सेल्स है। और फिर फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा था, फोर्थ में लिखा है सेल्स बाय फॉर्म है। इसका मतलब जब फॉर्म ए की टोटल सेल्स गिवन है तो एक्सपोर्ट का क्या करें हम, एक्सपोर्ट का कोई रोल नहीं है, एक्सपोर्ट की कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी। ये जो सेल्स दे रखी है 1100 फॉर्म ए की, इसके अंदर माना जाएगा कि फॉर्म ए ने जो एक्सपोर्ट किया है ना 300 का, वो इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो आप क्या करेंगे, फॉर्म ए के आउटपुट में जाके, क्योंकि आउटपुट के अंदर ही सेल्स आता है, आप यहाँ जाके लिख देंगे 1100। अब आ जाएं फोर्थ आइटम हो गया, फिफ्थ का कुछ करना नहीं था सर। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है फॉर्म ए का, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है फॉर्म ए का। अब मेरे को बताओ ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का क्या काम होता है, किसी भी क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का काम होता है सर चेंज इन स्टॉक निकालने का। तो चेंज इन स्टॉक निकालेंगे इसकी मदद से। क्लोजिंग स्टॉक है फॉर्म ए का 200 और ओपनिंग स्टॉक है फॉर्म ए का 350, तो चेंज इन स्टॉक आ जाएगा -150 किसका, फॉर्म ए का। आप कहाँ लिखेंगे ये सर, आउटपुट के अंदर लिखेंगे, क्योंकि आउटपुट के अंदर ही आता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सर आप चेंज इन स्टॉक ऐड क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि चेंज इन स्टॉक माइनस में आया है, इसलिए माइनस करना पड़ रहा है मुझे। ऐसे ही एट्थ और नाइन्थ आइटम है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फॉर्म बी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फॉर्म बी। तो क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करेंगे, 200 में से 300 माइनस करेंगे, तो आ जाएगा चेंज इन स्टॉक ऑफ फॉर्म बी -100। ठीक है, ये हो गया इसका आउटपुट, फॉर्म बी का आउटपुट। अच्छा, टेंथ आइटम लिखा है परचेज बाय फॉर्म बी फ्रॉम फॉर्म ए। बी ने ए से भी खरीदा है भाई साहब, बी ने ए से खरीदा। बी ने ए से खरीदा का क्या मतलब है कि बी की परचेजेस है और ए की सेल्स है। अब बताओ ज़रा मेरे को कि ये सिर्फ बी की परचेजेस में आएगा या ए के सेल्स में भी लिखेंगे हम इसको। सर कैसी बात कर रहे हो, बी की ए के सेल्स में तो इसको ऑलरेडी दिखाया जा चुका होगा, सिर्फ बी की परचेजेस में आप दिखा दो 500, क्योंकि ए की टोटल सेल्स तो 1100 दे रखी थी, तो ए ने जो बी को बेचा होगा उसके अंदर वो वाला अमाउंट भी इंक्लूडेड होगा। बस हो गया, इसको टोटल करके आप बाहर लिख दीजिए। 1100 में से 150 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 950। अच्छा, उसमें परचेजेस माइनस करनी है, परचेजेस की वैल्यू कितनी आ रही है सर, परचेजेस जाएगा 800, ये माइनस करेंगे 800, 950 में से 800 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 150। ये हो गया वैल्यू एडेड ऑफ फॉर्म ए। ऐसे बी का निकाल लो, ये हो जाएगा 900 माइनस 100, 800, इसमें से 500 माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 300। ये हो गया वैल्यू एडेड बाय फॉर्म बी। और चीज़ समझो, इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है हमें, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आपको बोलता है वैल्यू एडेड निकालो फॉर्म ए का, फॉर्म बी का, और जीडीपी एमपी भी निकालो, जीडीपी एमपी भी निकालो, तो आप क्या करोगे, जो भी फॉर्म्स है ना सारी फॉर्म्स का वैल्यू एडेड जोड़ देते हैं तो वैल्यू एडेड आता है, सारे फॉर्म्स का वैल्यू एडेड जोड़ देते हैं तो जीडीपी एमपी आता है। सॉरी, तो वैल्यू एडेड ऑफ फॉर्म ए, वैल्यू एडेड ऑफ फॉर्म बी अगर हम जोड़ देंगे तो 150 प्लस 300 इक्वल्स टू 450, ये हो जाएगा हमारा जी डी पी एम पी। इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं थी, आगे ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए मैंने आपको अभी बता दिया है। ये हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 29, ये आप करेंगे क्वेश्चन 29। सिमिलर क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ये सिमिलर क्वेश्चन ही है और वैसे ही करना है जैसे पिछला क्वेश्चन किया था। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू एडेड, इसमें भी दो फॉर्म्स हैं हमारे पास, फॉर्म एक्स एंड फॉर्म वाई। तो लिखेंगे सबसे पहले फॉर्म एक्स एंड फॉर्म वाई। फॉर्म एक्स में हमें आउटपुट चाहिए, आउटपुट में दो चीज़ें आती हैं, सेल्स आता है सर और इसमें जुड़ा होता है चेंज इन स्टॉक। तो मैं से इसको ब्रेक करके लिख लेता हूँ, कंपलसरी नहीं है। फिर इतना हो जाने पे हम इसमें से माइनस करते हैं सर परचेजेस या इंटरमीडिएट कंजम्पशंस, ऐसा करने पे वैल्यू एडेड मिल जाएगा हमें फॉर्म एक्स का। फिर सिमिलरली फॉर्म वाई के केस में भी ऐसे ही करेंगे हम, सेल्स में चेंज इन स्टॉक ऐड करेंगे, फिर इसमें से हम इसकी परचेजेस को माइनस कर देंगे, यहाँ आ जाएगा इसका फॉर्म वाई का वैल्यू एडेड। तो सबसे पहले दे रखा है सेल्स बाय फॉर्म एक्स, सेल्स बाय फॉर्म एक्स का मतलब है फॉर्म एक्स की टोटल सेल्स कितना है, 1000 टोटल है, इसलिए मैंने लाइन के बाहर लिख दिया इसको। फिर है सेल्स बाय फॉर्म वाई, फॉर्म वाई की भी टोटल सेल्स दे रखी है 5000। परचेजेस बाय हाउस होल्ड फ्रॉम फॉर्म वाई, परचेजेस बाय हाउस होल्ड फ्रॉम फॉर्म वाई, वाई से हाउस होल्ड ने परचेज किया, परचेजेस बाय हाउस होल्ड फ्रॉम फॉर्म वाई।
तो एक बात बताओ, हाउस होल्ड के रिगार्डिंग तो हम कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं ना, हम हाउस होल्ड के रिगार्डिंग तो कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हमें तो एक्स और फॉर्म वाई की डिस्कशन करनी है। तो जो थर्ड पॉइंट है परचेजेस बाय हाउस होल्ड फ्रॉम फॉर्म वाई, हाउस होल्ड के लिए परचेजेस है, उससे लेना देना है भी नहीं हमें। वाई के लिए क्या है ये? वाई के लिए सेल्स है ये। लेकिन सर सेल्स को दिखाने की ज़रूरत है क्या? नहीं है ज़रूरत। क्यों? क्योंकि फॉर्म वाई की टोटल सेल्स 5000 हमने ऑलरेडी लिखी हुई है। तो इसको छोड़ देंगे हम, डी पे आएंगे, एक्सपोर्ट बाय फॉर्म वाई। वाई ने एक्सपोर्ट भी किया भाई, वाई ने एक्सपोर्ट कितना किया? 500। सर ये भी सेल्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है, वाई ने एक्सपोर्ट किया, तो वाई की एक्सपोर्ट क्या है? सेल्स ही तो है वाई के लिए, ये भी सेल्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड होगी। एक्सपोर्ट का क्या करें? कुछ नहीं करना। मतलब फजूल फजूल इन्फॉर्मेशन हमें दे के कन्फ्यूज करने की कोशिश कर रहा है सवाल। ई में आते हैं, चेंज इन स्टॉक ऑफ फॉर्म एक्स। फॉर्म एक्स के स्टॉक में चेंज आया, चेंज इन स्टॉक है एक्स का, चेंज इन स्टॉक डायरेक्टली आपको दे रखा है कितना? 200। तो 200 ऐड हो जाएगा, चेंज इन स्टॉक दे दिया है सवाल में, तो हम इसको ऐड कर देंगे प्लस 200। चेंज इन स्टॉक ऑफ फॉर्म वाई, फॉर्म वाई का चेंज इन स्टॉक दिया है 100, ये भी ऐड हो जाएगा, इससे करके टोटल आउटपुट आ जाएगी फॉर्म एक्स वाई की। इम्पोर्ट बाई फॉर्म एक्स, फॉर्म एक्स ने इम्पोर्ट किया। इम्पोर्ट क्या होता है सर? इम्पोर्ट होता है परचेजेस। फॉर्म एक्स इम्पोर्ट कर रहा है, इसका मतलब फॉर्म एक्स ने विदेशों से परचेज किया। कितने का परचेज किया? 700 का। क्या करेंगे इसको सर? फॉर्म एक्स की परचेजेस में जाके 700 लिख देंगे। सर आपने बाहर क्यों नहीं लिखा, अंदर क्यों लिखा? क्योंकि परचेजेस में अभी कुछ और भी ऐड हो सकता है शायद, इसलिए मैंने इसको अंदर लिख दिया है, क्योंकि टोटल वैल्यू शायद ना हुई। अच्छा, एच पर चलते हैं। एच आइटम है सेल्स बाई फॉर्म जेड टू फॉर्म वाई। जेड ने वाई को बेचा, तो जेड के रिगार्डिंग हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम वाई के रिगार्डिंग कर रहे हैं। जेड ने वाई को बेचा, जेड के लिए सेल्स है, वाई के लिए क्या है? वाई के लिए क्या है सर? वाई के लिए परचेजेस है, तो हम परचेजेस में लिख देंगे वाई में जाके परचेजेस की वैल्यू 2500। एक और आइटम रह गया सर, परचेजेस बाय फॉर्म वाई फ्रॉम एक्स। वाई ने एक्स से परचेज किया, वाई ने एक्स से भी परचेज किया है। वाई ने एक्स से परचेज किया, तो वाई के लिए परचेजेस, एक्स के लिए सेल्स। मैं वाई के परचेजेस में 2000 ऐड करूँ, मैं वाई की परचेज में 2000 ऐड करूँ, क्या एक्स की सेल्स में भी ऐड करने की ज़रूरत है? नहीं सर, उसकी टोटल वैल्यू तो पहले ही दे रखी है, और कुछ नहीं है जी। परचेजेस में 700 ही है इसका, 700 यहाँ से माइनस करना है हमें, तो उसको माइनस करो। 1000 प्लस 200 1200, 1200 में से 700 माइनस करेंगे तो बचेगा 500। ये हो गया वैल्यू एडेड फॉर्म है, और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ आंसर भी आ रहा है 500। वाई के केस में सेल्स 5000, चेंज इन स्टॉक है 100, ठीक है, तो ये हो गया 5100। इसमें से हम परचेजेस माइनस करेंगे, परचेजेस की वैल्यू आ रही है टोटल 4500, तो 5100 में से 4500 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 600। इसका भी आंसर सही आ रहा है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन 32, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 32। लिखा है, ए बायस फ्रॉम एक्स इनपुट वर्थ रुपीज 500 एंड सेल्स टू बी गुड्स वर्थ रुपीज 1000 एंड टू सी गुड्स वर्थ रुपीज 700। बी बायस फ्रॉम वाई इनपुट वर्थ रुपीज 200 एंड सेल्स टू सी गुड्स वर्थ रुपीज 1500 एंड फिनिश गुड्स वर्थ रुपीज 2000 टू हाउस होल्ड। सी बायस फ्रॉम जेड इनपुट वर्थ रुपीज 150 एंड सेल्स फिनिश गुड्स वर्थ रुपीज 4150 टू हाउस होल्ड। कैलकुलेट टोटल वैल्यू एडेड। देखो सवाल में आपसे इंडिविजुअल फॉर्म्स का वैल्यू एडेड नहीं पूछा है, आपसे पूछा गया है टोटल वैल्यू एडेड बताएं। हालांकि टोटल वैल्यू एडेड ऑब्वियसली सारे फॉर्म्स का वैल्यू एडेड जब आप निकालेंगे उन सबको टोटल करके ही टोटल वैल्यू एडेड निकलेगा, लेकिन आप यहाँ ये समझने की कोशिश करें कि हमारे लिए कौन से फॉर्म्स रेलेवेंट फॉर्म है, हमें निकालना किसका है, बात किसकी करनी है। फॉर्म वैसे इसमें बहुत सारे फॉर्म्स रखे हैं, ए बी सी, इसके अलावा एक्स वाई जेड, 6 फॉर्म्स गिवन है, रेलेवेंट है सिर्फ 3 फॉर्म्स, उन्हीं को कंसिडर करके आपको इसमें वैल्यू एडेड कैलकुलेट करना है। देखिए इस क्वेश्चन में हमारे फॉर्म्स हैं, 3 फॉर्म्स हैं, एक है फॉर्म ए, एक है फॉर्म बी और फॉर्म सी, ये 3 फॉर्म्स हैं। लिखा है ए फॉर्म जो है वो एक्स से इनपुट परचेज करता है, मतलब एक्स कोई एक्स फॉर्म है, एक्स को जिन इनपुट्स की ज़रूरत पड़ती है वो एक्स से परचेज करता है। कितने के परचेज करता है सर? ये 150 रुपये के इनपुट जो है ए एक्स से परचेज कर लेता है। अच्छा, उसके बाद एक्स 150 नहीं 500 के, सॉरी 500 के, उसके बाद सेल करता है बी को 1000 का और सी को भी बेचता है 700 का। मतलब ए फिनिश गुड सेल करता है बी को 1000 का, 1000, और ए
सी को भी बेच रहा है, कितने का? 700 का। तो ध्यान से देखो, टोटल सेल्स जो है ए की कितनी हो जाएगी, 700 उसने सी को बेचा, 1000 का बी को बेचा, तो टोटल 700। खैर, और ख़रीदा था 500 का। आगे चलते हैं, बी क्या कर रहा है जी? बी सर वाई से इनपुट ख़रीदता है, इसको रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, वाई से ख़रीदता है। कितने का ख़रीदता है? ये ख़रीदता है 200 के। अच्छा, उसके बाद जो फिनिश गुड बन के तैयार होता है ना, जो फिनिश गुड वाई बनाता है, बी बनाता है, उसको बेचता है सी को सबसे पहले 1500 का। 1500 का फिनिश गुड तो इसको बेचता है, और कुछ माल जो है ये जनरल पब्लिक को भी बेचता है। जनरल पब्लिक मतलब सर? जनरल पब्लिक मतलब हाउस होल्ड। हाउस होल्ड, ये मैं मकान बना देता हूँ ऐसे, हाउस होल्ड इंडिकेट कर रहा है ये। कितने का बेचता है इसको? इसको बेचता है 2000 रुपये का फिनिश गुड। ठीक है, ये हो गया बी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। सी पे चलते हैं अब। सी क्या कर रहा है सर? सी परचेज कर रहा है जेड से। कितने के? जेड से परचेज करता है ये 150 का। और ये किसी दूसरे फॉर्म को नहीं सेल करता है, जेड जो है ये सारा का सारा फिनिश गुड जो है ये पब्लिक को सेल करता है, ये पब्लिक को बेचता है। कितने का फिनिश गुड बेचता है? ये बेचता है 4150 का। 4150, ये डेटा आपको दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर। आप पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा, ए ने एक्स से परचेज किया, बी को सेल किया और सी को सेल किया, बी ने वाई से परचेज किया, सी को बेचा और हाउस होल्ड को बेचा, सी ने जेड से परचेज किया और सारा का सारा हाउस होल्ड को बेचा। आप लोग ये क्वेश्चन मेरे को करके दिखाएं फटाफट से। आपको क्या करना है, पहले तीनों फॉर्म्स का इंडिविजुअली वैल्यू एडेड निकालना है, फॉर्म ए का, फॉर्म बी का, फॉर्म सी का। तरीका वही है, सेल्स में से परचेजेस माइनस करनी है तीनों फॉर्म्स की। आपको तीनों फॉर्म की सेल्स, तीनों फॉर्म की परचेजेस, तीनों फॉर्म का वैल्यू एडेड निकालना है, और उन तीनों फॉर्म्स के वैल्यू एडेड को जोड़ के फिर टोटल वैल्यू एडेड, जिसे हम GDP MP भी कहते हैं, वो आएगा। फॉर्म ए की सेल्स, फॉर्म ए की परचेजेस माइनस करके ये आ जाएगा फॉर्म ए का वैल्यू एडेड। ऐसे ही आप सेकंड फॉर्म का निकालेंगे, फॉर्म बी। यहाँ भी सेल्स में परचेजेस माइनस करो, थर्ड वाले में भी फॉर्म सी के केस में सेल्स में से परचेजेस माइनस कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले गिवन था ए ने एक्स से परचेज किया है 500 का, तो 500 कहाँ लिख देंगे हम? ए के जाके परचेजेस में लिख देंगे। और ए की सेल्स देखो, ए की सेल्स कितनी है सर? ए की सेल्स है, बी को बेचा है 1000 का और सी को बेचा है 700 का, तो टोटल सेल्स हो गई 1000 प्लस 700, 1700। ख़रीदा था 500 का, तो 1700 में से 500 माइनस करेंगे, कितना बच जाएगा? 1200। ऐसे ही फॉर्म बी का, फिर फॉर्म बी में क्या देखेंगे आप? देखेंगे सबसे पहले सेल्स। देखो फॉर्म बी ने कितनी सेल्स करी है, देखिए फॉर्म बी की सेल्स क्या है, 1500 का इसको बेचा सी को और 2000 का इसको बेचा हाउस होल्ड को, तो फॉर्म बी की टोटल सेल्स कितनी हो गई? 3500। 3500 फॉर्म बी की टोटल सेल्स है। समझ आया सबको? परचेजेस पे आते हैं। फॉर्म बी किससे परचेज कर रहा है? देखो गौर से, फॉर्म बी की परचेजेस सर, फॉर्म बी ने वाई से परचेज किया था 200। अच्छा, एक और चीज़ देखो, फॉर्म बी ने 1000 का ए से भी तो परचेज किया था भाई। हमने ऊपर देखा, ए ने बी को बेचा, तो ए के लिए सेल्स है, हमने ए के सेल्स में 1000 लिखा, लेकिन बी के लिए परचेज भी तो हुआ वो, तो बी की असल में टोटल परचेज सिर्फ 200 नहीं है, बल्कि बी ने वाई से जो 200 का ख़रीदा वो भी उसकी परचेजेज हैं, और बी ने ए से जो ख़रीदा था वो भी उसका परचेज का पार्ट है। तो बी की टोटल परचेजेज की वैल्यू हो जाएगी 1000 प्लस 200, कितना हो जाएगा ये? 1200 बी की परचेजेस। ये माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 2300। अब आ जाते हैं सी। सी का देखें, सी में सर, सी का बहुत सिंपल है, सी ने सारा का सारा जो आउटपुट है वो हाउस होल्ड को बेचा है 4150 में, 4150 में, तो हम इसकी सेल्स में लिख देंगे 4150। लेकिन हमें इसकी परचेजेस भी तो चाहिए,
फॉर्म सी की परचेजेस की वैल्यू भी तो चाहिए होगी हमें। फॉर्म बी की परचेजेस की वैल्यू, फॉर्म सी की परचेजेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सर सी ने जेड से ख़रीदा 150 का, ये इसकी परचेजेस है। सर बी ने भी तो बेचा था सी को, ये इसकी भी, ये भी परचेजेस हैं सी के लिए। अच्छा सर ए ने भी सी को बेचा था 700 का शिप सबसे पहले, 700 का, तो सी की टोटल परचेज पता है कितनी हो जाएगी? 150 + 1500 + 700, समझ आ रही है बात? 1500 + 150 + 700, ये तीनों ऐड करेंगे हम। तो टोटल परचेजेस कितने हो जाएंगे? 15 + 16 = 50 और 2350 2350। परचेजेस की वैल्यू इसकी आ गई 2350। एक सेकेंड, क्या क्या है? 1500 में 150 ऐड किया प्लस 700 ऐड किया 2350। अब हमें माइनस करना है 4150 में से, ये बचेगा 1800। ये तीनों फॉर्म का वैल्यू एडेड है, हमसे पूछा गया टोटल वैल्यू एडेड बताइए, तो टोटल वैल्यू एडेड निकल गया जी, इन सबको ऐड कर देंगे, टोटल वैल्यू एडेड आ जाएगा 5300। 5300 ही करेक्ट आंसर है। चलें अब ज़्यादा नहीं, आप इनमें से इस तरह का एक और एक क्वेश्चन आप होमवर्क में ले लें, सिर्फ 39 कर लो, क्वेश्चन 39। बस आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।